नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी स्प्रिंटर पे। आज हम देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट वन। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत देर लग गई ये वीडियो लाने में, कुछ रीज़न बस ऐसा हुआ। अब आगे से कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी। और देखिए, आगामी बहुत एग्ज़ाम आने वाले हैं, SSC JE है, RRB JE है, UPSSSCJE JE है और अदर AE और JE एग्ज़ाम के लिए ये सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सिलसिला, लेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड जिसमें मेटल का यूज नहीं होता है वो रोड, यानी सीधे कच्ची सड़क की बात कर रहे हैं। और देखिए, कच्ची सड़क क्या है यहाँ पे, अर्दन रोड जो है वो कच्ची सड़क होगी और इसे फेयर वेदर रोड भी बोलते हैं। अच्छे मौसम के लिए लाभदायक होती है और अच्छा मौसम अगर नहीं होगा तो ये रोड सक्सेसफुल नहीं रहती है। इसमें कैम्बर हमको ज़्यादा देना पड़ता है, 1:20, यानी लगभग 5% का स्लोप रहता है। और देखिए, जितनी रोड है वो पक्की रोड में आती है। आप WBM ले लीजिए, वाटर बाउंड मैकेडम, बिटमिनस रोड में GSB WM यूज होता है, सीमेंट कंक्रीट में DLC और PQC का यूज होता है। तो ये सारी रोड जो है मेटल रोड है और अर्दर रोड जो है वो अनमेटल रोड है। अब आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑन अ हॉरिजेंटल कर्व, इफ द पेमेंट इज केप्ट हॉरिजेंटल अक्रॉस अलाइनमेंट, देन प्रेशर ऑन आउटर व्हील विल बी। मान लीजिए कोई रोड है, उस पर हम अलाइनमेंट चेंज करना है, हमें हॉरिजेंटल कर्व दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेट से हम लोग एक सर्किल प्रोवाइड करते हैं हॉरिजेंटल कर्व। अब इस पे कह रहे हैं कि जो व्हीकल है उसके दो जो व्हील हैं, चार व्हील, इन पे जो आउटर व्हील है उस पे किस तरीके का प्रेशर लगेगा, क्या ये ज़्यादा होगा इनर व्हील से या कम होगा, ये बताइए। तो जो व्हीकल जो है हॉरिजेंटल कर्व पे चलती है उसके आउटर व्हील पे प्रेशर जो है ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इनर व्हील, ठीक है। काउंट्रैक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है आउटर व्हील में ज़्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू इनर व्हील, मतलब अंदर के जो पहिया होती है उसमें कम प्रेशर होगा और आउटर जो पहिया होती है बाहर वाली उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द रोड लेंथ इन थर्ड 20-ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान 1981 to 2001 वॉच। अब इसमें कह रहे हैं जो हमारी टारगेट है, जो टारगेट डेंसिटी है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वो जो थर्ड 20-ईयर रोड प्लान है उसमें कितनी थी। तो पहली बात, ये 20-ईयर प्लान क्या है, कब कब यूज हुई, उसको किस नाम से जाना जाता है फेमसली, ये सारी चीज़ देखते हैं। जैसे देखिए, पहली 20-ईयर प्लान जो होती है वो 1943 से 1963 तक रहती है, जिसको हम लोग नागपुर प्लान बोलते हैं। और ये जो है टारगेट डेंसिटी रखती है 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर रोड इसकी जो है टारगेट डेंसिटी थी। 16 किलोमीटर रोड हमें बनानी ही है 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको नागपुर प्लान से हम लोग जानते हैं और इसमें कुछ एक क्वेश्चन पूछता है, नागपुर प्लान में जो है किस पैटर्न पे रोड बनी। तो इसको जो है स्टार और ग्रिड पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे जो रोड का क्रॉस सेक्शन है, जो इंटरसेक्शन है, सॉरी क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन, वो डिजाइन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और नागपुर प्लान के नाम से पूछ लेगा, यानी फर्स्ट 20-ईयर प्लान है और इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1943 से 1963। सेकंड 20-ईयर प्लान को हम जानते हैं बॉम्बे प्लान से, 1961 to 1981। 1963 तक देखिए ये पहली प्लान थी, लेकिन 1961 से सेकंड प्लान स्टार्ट कर दिए, दो साल पहले ही। और इसमें जो है टारगेट डेंसिटी हमारी थी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 32 किलोमीटर की रोड हमें बनाना था। थर्ड 20-ईयर प्लान को हम लोग लखनऊ प्लान से जानते हैं, 1981 से 2001 तक चली ये प्लान। और जो सेकंड अपनी 20-ईयर प्लान है इसमें हम लोगों ने 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे भी इंट्रोड्यूस किया,
जो इंडिया की सबसे फास्ट मूविंग जो सड़क है, नेशनल हाईवे से भी ज़्यादा स्पीड वाली, वो हमारी जो है एक्सप्रेसवे है। इसमें 1600 किलोमीटर का टारगेट हमारा एक्सप्रेसवे का था। फिर थर्ड 20 ईयर प्लान है, इसमें 1981 से 2001 तक इसमें 2000 किलोमीटर जो है हमने इंट्रोड्यूस किया एक्सप्रेसवे, और इसकी टारगेट डेंसिटी जो थी वो 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में थर्ड के बारे में पूछा है, देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, सी ऑप्शन हमारा सही है, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इनका ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान कौन सी थी ये बताइए, थर्ड 20 ईयर प्लान। इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस वे ऑफ टोटल लेंथ 2000 किलोमीटर शुड बी डेवलप फॉर फास्ट ट्रेवल, तेज ट्रेवलिंग के लिए 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया गया, ये सही है, हमने पहले डिस्कस किया। फिर है, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री शुड बी 66,000। तो जो टोटल लेंथ है हाईवे की वो 66,000 किलोमीटर है, ये भी सही है। थर्ड क्या, टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन कंट्री शुड बी 1,45,000 किलोमीटर, यानी 1,45,000 किलोमीटर ये हमारी स्टेट हाईवे पूरी कंट्री में बनी। तो ये हमारा जो है तीनों ऑप्शन सही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, द क्रॉस सेक्शन फॉर अ हाईवे इज टेकन एट, जो क्रॉस सेक्शन हाईवे का वो कैसे लिया जाता है, सेंटर लाइन से परपेंडिकुलर लिया जाता है, एकदम करेक्ट है, इस तरफ 30 मीटर अपार्ट, ये भी सही है। जो क्रॉस सेक्शन है राइट ऑफ वे ROW जो होता है वो सेंटर से 30 मीटर इधर इधर अप्रॉक्सली लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेट है ये, और चेंज होता रहता है NH के लिए, SH के लिए, MDR के लिए, ODR के लिए। फिर है, इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग एडेप्ट चेंज इन ग्रेडियंट, एकदम सही है, रोड चल रही है, इसका ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से चेंज होता रहता है, मतलब अर्थ से कहीं अपवर्ड कहीं डाउनवर्ड होता रहता है, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर प्लान हैज क्लासिफाइड द रोड इन इंडिया इन, तो जो नागपुर प्लान है वो पहली प्लान थी हमारी, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, याद रखना आप लोगों को, और इसमें कितनी तरीके की रोड क्लासिफाई की गई। तो देखिए नागपुर प्लान में क्या है, NH था, SH था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको ODR बोलते हैं हम लोग, या जो है इसके नीचे एक है विलेज रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जनरली विलेज रोड में आती है, यानी कितनी हो गई, 5 हो गई हमारे पास, तो 5 कैटेगरी की रोड बन गई। ध्यान दीजिएगा इसमें एक्सप्रेसवे नहीं था, जो कि सेकंड 20 ईयर प्लान में आया बॉम्बे प्लान में, उसमें एक्सप्रेसवे इंक्लूड किया गया, यानी 6 तरीके की रोड जो है बॉम्बे प्लान में है, जहाँ कि नागपुर प्लान में सिर्फ 5 ही तरीके की थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग, हार्ड रॉक कटिंग में नेशनल हाईवे की जो विड्थ फॉर्मेशन है वो कितनी होनी चाहिए ये बताइए। तो जो विड्थ फॉर्मेशन है हार्ड रॉक की, हार्ड रॉक कटिंग में ये हमारी जो होती है ये हो जाएगी 7.9, ये IRC ने रिकमेंड किया है, इसे ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, अब इसमें फिल करना है कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया। HRB जो है हाईवे रिसर्च बोर्ड जो है इससे सॉइल क्लासिफिकेशन किया गया है, और इस 7 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया, 7 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग सबग्रेड की सॉइल को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिली रीजन वॉज फॉर्म्ड इन, देखिए BRO कह लें आप या ब्रो कह लें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर एरिया में, हिली एरिया में, जैसे कश्मीर आप ले लीजिए, राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया है, सारे बॉर्डर एरिया में हिली रीजन में ये रोड बनाती हैं, और ये इस्टेब्लिश हुई कब, ये अंडर आर्मी इस्टेब्लिश हुई 1960 में, और ये अगर आप लोग SSC JE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो उसके अंतर्गत BRO आता है।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। जितने बॉर्डर की सड़कें होती हैं ये इनके अंतर्गत आता है, क्योंकि टॉपोग्राफी, जो टॉपोग्राफी होती है बॉर्डर की, वो जो है सबके लिए, सिविलियंस के लिए ओपन नहीं रहती, वो आर्मी के अंडर में रहती है। इस वजह से वहाँ पे आर्मी का एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो ये रोड बनाता है 1960 में। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हम देखते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है किस ईयर में क्या इस्टेब्लिश हुआ। देखिए, जायकर कमेटी 1927 में इस्टेब्लिश हुई, सेंट्रल रोड फंड 1929 में, इंडियन रोड कांग्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, कब इस्टेब्लिश हुई, 1934 में, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI 1950 में इस्टेब्लिश हुई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर BRO हमने देख लिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI 1995 में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है जो सारी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और कुछ स्टेट हाईवेज़ को भी ये फंड करती है, और सारे इनका ही इस पे कंट्रोल रहता है, किसी भी प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी को दे दें, लेकिन जो अल्टीमेट इनके ही हैंड पे आती है सारी नेशनल हाईवे या कुछ भी, देख रेख इन्हीं का है। अगला है हाईवे रिसर्च बोर्ड, जो कि 1973 में होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, खासकर तीन सेंट्रल, CRRI, IRC, BRO और NHAI, इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, 1960, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, IRC रिकमेंडेड फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल इज, व्हीकल की जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो कितनी होती है ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, विड्थ पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा, लेंथ पूछ लेगा IRC के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सी करेक्ट है हमारा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू IRC जो लेंथ है वो 10.6 और जो विड्थ है 2.44 और हाइट जो है 3.8 मीटर सिंगल डेक के लिए। अगर डबल डेकर ब्रेक है तो IRC ने इसको बोला है 4.72 मीटर। ये सारे डाटा आप लोगों को याद होने चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। लेंथ कितनी 10.6, विड्थ कितनी 2.44, हाइट कितनी 3.8, डबल डेकर बस है अगर तो 4.72 मीटर इसकी हाइट होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल इन रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट में कौन सा फंक्शन नहीं होता है, रेवेलिंग, स्ट्रक्चरल क्रैकिंग, स्पॉलिंग, रफनेस। तो जो रिजिड फंक्शन, रिजिड पेमेंट में फंक्शन नहीं है वो स्ट्रक्चरल क्रैकिंग है। देखिए, रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है इसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है, एक लेयर का डिफरेंस होता है। और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जबकि रिजिड पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, ये एक रिजिड तरीके से दृढ़ पेमेंट रहता है। और हैवी ट्रैफिक मूविंग के लिए हम रिजिड पेमेंट बनाते हैं, ये DLC के ऊपर होता है, ड्राई लीन कंक्रीट के ऊपर। PQC करते हैं हम लोग, पेमेंट क्वांटिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं, 300 mm मिनिमम इसकी थिकनेस होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे और नॉलेज होता जाएगा इस बारे में। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू एकोमोडेट। अब देखिए, राइट ऑफ वे क्या होता है, ये ROW बोलते हैं हम लोग, और ROW पिलर हम लोग लगाते हैं। ये क्या होता है, सेंटर लाइन से एक विड्थ होती है फॉर्मेशन की, जो कि रोड की एरिया को डिसाइड करती है। मान लीजिए सेंटर लाइन चल रही है, यहाँ से 30 मीटर है या 25 मीटर है, ये ROW पिलर्स हम लोग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम, अपनी एरिया को जो है, जो रोड की एरिया हमने जमीन ली है, NHAI ने लिया है, वो डिसाइड करता है। तो अब क्या है, ये बोल रहे हैं ROW पिलर डिसाइड टू एकोमोडेट, क्या डिसाइड करता है, फॉर्मेशन विड्थ को डिसाइड करता है। ROW पिलर को हम लोग बाउंड्री पिलर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, रोड बाउंड्री स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम लोग। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एज पर IS रिकमेंडेशन द रोडवे विड्थ फॉर सिंगल लेन NH और SH इन माउंटेनियस और स्टीप टेरेन। इंडिया रोड कांग्रेस के हिसाब से
ये बताइए, रोडवे जो सिंगल लेन होती है NH या SH, माउंटेनियस दो हिली रीजन में और स्टीप टेरेन है, उसमें इसकी जो है विड्थ क्या होगी सिंगल लेन की, ये बता दीजिए। तो जो इसकी विड्थ होती है ये 6.25 मीटर होती है माउंटेनियस रीजन में या स्टीप टेरेन में IRC के अकॉर्डिंग, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, द विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर मल्टी लेन पेमेंट एज रिकमेंडेड बाई इंडियन रोड्स कांग्रेस इज। मल्टी लेन पेमेंट, मल्टी लेन पेमेंट अगर है, कई लेन है, तो सिंगल लेन की जो है विड्थ IRC के द्वारा कितनी डिसाइड की गई है ये बताइए। देखिए, IRC के द्वारा जो मल्टी लेन है वो 3.5 पर लेन डिसाइड की गई है, जहाँ पे अगर 3.5 × n कर दिया जाए तो n नंबर ऑफ लेन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आगे बता देता हूँ मैं, बताऊँगा अभी कि कैसे कैसे इसकी विड्थ डिसाइड करते हैं हम लोग, विद कर्व विदाउट कर्व ये सारी चीज़ें। बट मल्टी लेन में आप लोग ध्यान रखिए 3.5 मीटर पर लेन होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट ऑफ वे फॉर नेशनल हाईवे फॉर प्लेन टेरेन। राइट ऑफ वे, अभी हमने बात किया इसका, राइट ऑफ वे जो RoW होता है वो नेशनल हाईवे प्लेन टेरेन के लिए इसकी जो है विड्थ कितनी होगी ये बताइए। भूभाग जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो कितनी होनी चाहिए, तो जो प्लेन टेरेन होता है इसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और MDR ODR सबके लिए अलग अलग होता है, ये बात हमको पहले जाननी पड़ेगी। तो नेशनल हाईवे के लिए जो है हम लोग इसे 45 मीटर रखते हैं, 45 मीटर रखते हैं, ये पहले ध्यान रखिए आप लोग। हिली ट्रेन के लिए ये अलग होता है और जो है प्लेन ट्रेन के लिए अलग होता है। नेशनल हाईवे के लिए 45 है, ठीक है, ये 45 क्या है, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम जो इसकी राइट ऑफ वे की विड्थ है वो 45 होनी चाहिए। देखिए क्या है, 3.5 3.5, अगर मान लीजिए 4 लेन हम लोग रोड बना रहे हैं तो 7 मीटर का तो मेन कैरिज वे होगा, फिर पेप्ड शोल्डर देना पड़ेगा, मीडियन होती है लगभग 5 मीटर की, फिर अगर दूसरा लेन है वो 8.5 8.5 का, तो अब इस तरीके से हमें 24 25 मीटर तो रोड के लिए चाहिए, और साथ साथ सेंटर से 22 22 मिलेगा विड्थ इसकी RoW की, ठीक है। तो मिनिमम तो हमें 45 मीटर चाहिए ही, लेकिन अगर जनरली हम देखें तो 60 मीटर चाहिए, IRC ने बोला है नेशनल हाईवे के लिए, स्टेट हाईवे के लिए 45 जनरली, और 30 मीटर जो है मिनिमम चाहिए एब्सोल्यूट जो होती है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अगर हम लोग बात करें तो 15 मीटर एब्सोल्यूट मिनिमम, बट 25 मीटर हमें चाहिए जनरली, जो हम लोग जिसमें अपना कार्य कर सकते हैं। सॉरी, 20 मीटर नहीं, ये 25 मीटर नहीं, ये देखिए क्या होता है, इसमें अगर हम MDR की बात करें तो MDR में मिनिमम जो होता है वो 20 मीटर होगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो जनरली हम लोग लेते हैं वो 30 मीटर होगा RoW की विड्थ। फिर अगर हम लोग माइनर रोड की बात करें, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है, ठीक है, MDR जो है 15 मीटर मिनिमम होती है, और 25 मीटर जनरली हम लोग आराम से इसमें अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। विलेज रोड के लिए कितना चाहिए RoW का, ये चाहिए 12 मीटर, 12 मीटर मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, और 18 मीटर चाहिए हमको जनरली जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ जो है प्लेन ट्रेन के लिए है, नेशनल हाईवे के लिए हो गया, स्टेट हाईवे के लिए हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए हो गया, और विलेज रोड के लिए हो गया। अदर हैंड अगर हमारे पास रोली जो है प्लेन नहीं होके माउंटेनियस है तो उसमें क्या होगा RoW की विड्थ। देखिए NH के लिए क्या है, NH के लिए हमारे पास 24 होगा, 24 होगा, इसमें सिंगल ही है जो चाहिए, 24 मीटर चाहिए। स्टेट हाईवे के लिए 20 मीटर चाहिए, 18 मीटर चाहिए हमारी MDR के लिए, ODR के लिए चाहिए 15 मीटर, और 9 मीटर चाहिए विलेज रोड के लिए। ये माउंटेनियस हो गया, इसको बाद में डाटा मैं लिखवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, हमारा 16 क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द IRC रिकमेंडेड विड्थ ऑफ सिंगल लेन कैरिजवे। सिंगल लेन कैरिजवे के लिए IRC ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, मल्टी लेन नहीं बोला है यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है। सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए डिजायरेबल लेन विड्थ कितनी होती है, तो सिंगल लेन के लिए हमारे पास हो जाएगी 3.75 मीटर। सिंगल लेन की जब बात करेगा 3.75 मीटर होगा, मल्टी लेन की बात करेगा 3.5 होगा, ये दोनों डिफरेंस याद रखना है। आगे हम बताते हैं आप लोगों को,
देखिए IRC रिकमेंडेड क्या किया, सिंगल लेन विड्थ 3.75 मीटर, डबल लेन विड्थ विदाउट कर्व, विदाउट कर्व अगर होगा तो 7 मीटर होगा, डबल लेन विथ कर्व जो विड्थ होगी वो 7.5 मीटर होगी, अगर इंटरमीडिएट लेन है तो 5.5 मीटर की, मान लीजिए कई लेन बनानी है, नेशनल हाईवे है, कुछ भी है तो 5.5 मीटर, मल्टी लेन अगर विड्थ लेंगे सिंगल लेन की वो 3.5 होगी। तो ये सारी चीज़ याद रखना है, पीछे जो क्वेश्चन बताया था उससे वो भी इसी में लिखवा दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछता है बार बार एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें हैं यही सब पूछता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लैंटर्न एंड कैरिजवे, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ लैंटर्न से और कैरिजवे की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग हाइट, माउंटिंग हाइट बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ऑफ टू रोड हैविंग टू लेन एंड टू वे ट्रैफिक, टू रोड है ठीक है और ये टू वे ट्रैफिक चल रही है, इसमें एक ये है एक ये है, दो रोड है, तो इस पे जो है हमारा नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट कितना होगा ये बताइए। तो इस पे जो है आप लोग जब देखेंगे इसे सॉल्व करके, इस डायरेक्शन में कौन सी जा रही है, इस डायरेक्शन में कौन सी जा रही है, ये कन्फ्लिक्ट हुआ, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, तो इससे सिंपली याद रखिए 24 कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवेज, ये इसमें सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड, ये करेक्ट है, क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन रिक्वायर्ड होगा, ये साथ साथ क्रॉस सेक्शन भी इसका रिक्वायर्ड होगा, जो क्रॉस सेक्शन है इस तरफ सेंटर लाइन इस तरफ, तो ए और बी दोनों करेक्ट होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं है। 20 क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ कंटूर ग्रेडियंट फॉर हाईवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रॉम द जो कंटूर है, कंटूर ग्रेडियंट किसी हाईवे के लिए, हिली रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ये किसके लिए सबसे फिट होगा, तो ये है हमारा जो ऑप्शन है, कह रहे हैं इसमें बॉटम टू द सैडल, पहाड़ी की चोटी के नीचे तक, रिज डाउन द हिल, पहाड़ के तल की चोटी तक, सैडल डाउन द हिल, पहाड़ी के नीचे कदीदार घाटी से, बॉटम टू द रिज, पहाड़ के तल से घाटी तक, तो पहाड़ी के नीचे से जो है जो गद्दीदार घाटी होती है वहाँ से हम लोग कंटूर ग्रेडियंट की जो है डिसाइड करते हैं, कंटूर ग्रेडियंट लेके, ठीक है, लोकेशन डिसाइड करनी होती है जो हमें, एक राजमार्ग के लिए समोच्च ढाल का स्थान सबसे अच्छे कहाँ से निर्दिष्ट किया जा सकता है, तो ये पहाड़ी के नीचे गद्दीदार घाटी से, यानी सैडल डाउन द हिल, ये सी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, हमारे पास 21 क्वेश्चन है एवरेज इल्यूमिनेशन ऑन इम्पॉर्टेंट रोड्स एज पर IS रिकमेंडेशन, तो जो इल्यूमिनेशन होता है इम्पॉर्टेंट रोड्स के लिए IS एज पर IS के लिए, ये 30 लक्स होता है, 30 लक्स होना चाहिए, लाइट्स जितनी लगती हैं उनका इल्यूमिनेशन जो है 30 लक्स होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ सर्वे इन रोड्स प्रोजेक्ट इज, जो सर्वे होता है रोड प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने के पहले वो क्या क्या होता है ये बताइए। सबसे पहले अगर हमें रोड बनाना है तो हम उस एरिया के मैप की स्टडी करेंगे, मैप में सारे एरिया जो भी है स्टडी करेंगे, टोपोग्राफी देखेंगे, कहाँ पे हाइट ज़्यादा है, कहाँ पे हाइट कम है, कहाँ पे हिल है, कहाँ पे पौधे हैं, इस चीज़ को हम मैप से उस एरिया की स्टडी करेंगे। अगर मान लीजिए हमें कटिंग वटिंग ज़्यादा करनी है और प्लेन टेरेन है तो उस तरफ हम रोड बना देंगे, अगर हिली रीजन है ज़्यादा उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो हम उस तरफ रोड को डाइवर्ट कर देंगे, ये हमारा मेन चीज़ होता है मैप स्टडी, इसको हम लोग टोपोग्राफी सर्वे भी बोल सकते हैं। सेकेंड है रेकनीसेंस, रेकी जिसको बोलते हैं हम लोग, रेकी में क्या होता है, हमने मैप से स्टडी किया और अब उसको जाके हम लोग अपनी आँख से व्यू करेंगे, वहाँ पे टीम जाएगी उसको देखेगी, जिसको हम लोग अपने मतलब मैप स्टडी करने के बाद वैसी ज़मीन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ऐसा टेरेन है कि नहीं, इस तरीके की जो स्टडी होती है रेकी होती है, ये हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे के पहले करते हैं। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, वहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें हैं मशीन या जो भी सर्वे के पार्ट हैं उसके हिसाब से करेंगे, और हम लोग लास्ट करते हैं डिटेल सर्वे।
एग्जीक्यूशन वर्क के टाइम हम लोग ड्रिल सर्वे करते हैं उसके पहले, तो ये चार इसके जो है पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, टोपोग्राफिक रेकी ग्रेनरी सर्वे और डिटेल्ड सर्वे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टोपोग्राफी ही मैप स्टडी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। टोपोग्राफिक की जगह हम लोग मैप स्टडी भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन करके पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अलाइनमेंट ऑफ रोड इज फाइनली डिकोडेड ऑन द बेसिस ऑफ। अलाइनमेंट जो होती है रोड की वो हम लोग डिकोड करते हैं फाइनली फील्ड सर्वे से, जब हम लोग फील्ड में सर्वे करते हैं उससे करते हैं, और अलाइनमेंट जब डिसाइड करते हैं सबसे मेन चीज होती है रोड की, याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले सेंटर लाइन मार्क करते हैं, उसके हिसाब से रोड बनाते हैं। सेंटर लाइन जिस तरफ घूम रही, मान लीजिए रोड किसी इस डायरेक्शन में चल रही, तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटर लाइन को लेंगे, यहाँ स्ट्रेट है, घूम गई फिर ऐसे चली, इसके हिसाब से हम लोग विड्थ डिसाइड करते हैं। तो फील्ड सर्वे से हम लोग अलाइनमेंट रोड का फाइनली डिकोड करते हैं। 24th क्वेश्चन है, कह रहे हैं द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस SSD बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके हिसाब से रोड हमारी डिजाइन होती है। ये क्लियर विजिबिलिटी देता है ड्राइवर और ऑब्जेक्ट के बीच में, एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रहती है, उसको हम लोग SSD बोलते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल की जो स्पीड है उस पर डिपेंड करेगी, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, ब्रेक की एफिशिएंसी क्या है, कैसे ब्रेक लगा रहे हैं, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर जो होती है ये 2.5 सेकंड होती है, जो IRC ने दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रिएक्शन टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, परसेप्शन है और ऑब्जेक्ट को देखना, परसीव करना, फिर उस पर रिएक्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक सबके ऊपर डिपेंड करती है। SSD ऑप्शन करेक्ट है। 25th क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फॉर अ व्हीकल मूविंग विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केस में जो रिएक्शन टाइम होती है IRC ने रिकमेंड किया है 2.5 सेकेंड, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्पीड जो दिया है वो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन टाइम पूछ रहा है वो 2.5 सेकेंड ही होगा ऑर्डिनरी केस में, नॉर्मल केस में, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को स्टडी स्प्रिंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसमें आप लोगों को ढेर सारी वीडियो मिलती रहेगी तैयारी करने के लिए अपने एग्ज़ाम की। धन्यवाद।